आज ही हमारे सुबह चैनल ने न्यूज लगाई थी कि ये पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, राम मंदिर और जो मस्जिद है उसके आसपास काफ़ी गंदगी रहती है। उस बात को नगरपालिका ने संज्ञान में लिया और उन्होंने साफ सफाई शुरू कर दी है, लेकिन नगरपालिका का कहना यह है कि यहाँ के जो लोग हैं वहाँ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे नालियाँ बंद हो गई हैं। नालियाँ चौक होने की वजह से सारा पानी बाहर फैलता है। उन्होंने कहा कि जनता का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि कृपया अपना अतिक्रमण हटाए, नहीं तो नगर पालिका भी उसमें अब कोई कार्रवाई करेगी। मैं राकेश जैन राय से हूँ। मंदिर के आसपास जो गंदगी थी, क्या कारण है कि इतनी गंदगी रहती है? मंदिर के कारण गंदगी है, पर सफाई करने जो कर्मचारी बैठे सफाई कर्मचारी जी, तो इसलिए तो अतिक्रमण में पूरे में और टिप्टियाँ बना रखी, लोगों ने नाली के ऊपर बंद कर दिए पूरी, वो हटा देते नहीं। अपने कर्मचारी जो आते तो ऊपर करके चले जाते हैं, हो नहीं पाता सही सफाई। जो अपन चाहते हैं सफाई जैसे करना वैसी हो नहीं पाती, इस कारण लोग शिकायत करते हैं अतिक्रमण के कारण। अतिक्रमण मुद्दा से कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करती उन पर नगर पालिका? कार्रवाई की है लोगों ने, कार्रवाई की है लोगों ने, फिर भी उन्होंने असर देख दिया कि हटा देंगे, हम खुद हटा लेंगे अपने सब सारे, लेकिन हटाए नहीं उन लोगों ने, बार बार ठीक बोल देते। तो ये तो फिर रोज गंदगी ऐसी फैलेगी। अब कोई कहना चाहिए सहयोग नहीं करती जनता, जन सहयोग बिल्कुल नहीं है अपना, जैसे जन सहयोग प्रसादों को मिले तो कार्य किया जाए अपने हिसाब से। अभी सुबह जो हमने न्यूज लगाई थी आपको पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर मस्जिद और मदरसे के पास, वहाँ की सफाई के लिए क्या किया? कि नालियों में किसी ने पैकेट कचरा डाल रहा था, रुक गया था, इस कारण तो पानी ऊपर आ गया, फिर उसको अपने साफ करवाया सुबह जाकर जी। अभी साफ सफाई नियमित होगी क्या? हाँ, साफ सफाई तो नियमित चली रही है वो, जैसे अभी चुनाव के कारण थोड़ा वो हो गया था, कर्मचारी कम हो गए थे, इस वजह से अब चल लिया। क्या नाम है आपका? अरुण चावला। क्या है आप नगर पालिका में?